आप सबके लिए वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, आप सबके लिए वेरी गुड आफ्टरनून। रजनी पारिक बेटा वेरी गुड आफ्टरनून, मनीष बेटा वेरी गुड आफ्टरनून, कीर्ति शिल्पी, शिल्पी कीर्ति वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोग आ जाइए फिर अपन स्टार्ट करते हैं, आप लोग आ जाइए फिर स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ज्योति रॉय बेटा वेरी गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन लिखता हूँ। जीवन कुमार बेटा क्वेश्चन देखते हैं। चलो बीटा एक्सट्रीमली लार्ज बोल रहा है गिवन, बीटा एक्सट्रीमली लार्ज गिवन जो है, बीटा एक्सट्रीमली लार्ज है। बीवी के माना 0.7, फाइंड आईसी एंड बीसी और आपका सर्किट ही है। ये 300 ओम है, ये 1 किलो ओम है, ये 2.2 के, ये 4 के। आप ये आपका 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट, और ये आपका प्लस माइनस बीसी है। ये 5 वोल्ट यहां भी कह सकते हो। चलो क्वेश्चन, अबे पारिक बेटा वेरी गुड आफ्टरनून, जीवन कुमार वेरी गुड आफ्टरनून, मीर सोलंकी वेरी गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन लिखो, डन लिखो, फिर बात करते हो। चलो डन लिखो, गौरव सैनी बेटा भाई मोस्ट वेलकम। देखो बीटा एक्सट्रीमली लार्ज क्या मतलब है, गिवन है, गिवन बीटा एक्सट्रीमली लार्ज मतलब बीटा कितना है, इन्फिनिटी, बीटा इन्फिनिटी गिवन है। बीटा इन्फिनिटी एक्सट्रीमली लार्ज बोला जब भी इन्फिनिटी, आईसी जो होता है वो बीटा आईबी होता है, तो आईबी क्या होगा आपका आईसी बाई बीटा, इसका मतलब है IC by infinity, तो IB कितना होगा 0। जब भी आपको बीटा एक्सट्रीमली लार्ज बोले तो समझ जाना हम IB की वैल्यू 0 होगी, वहाँ IB की वैल्यू क्या होगी 0, बेस करंट 0, बेस करंट 0 होगा वहाँ जब भी एक्सट्रीमली लार्ज बोले तो, बेस करंट 0। अपन को पता है इन एनालॉग सर्किट 8 जो होनी चाहिए वो किलो ओम में होनी चाहिए, करंट जो होगा मिली एम्पियर में, और वी जो आएगा वोल्ट में, तो 0.3 ओम हो गया, ये होगा 0.3 किलो ओम। और आपको पता है वोल्टेज डिवाइडर वायर सर्किट है, फिगर क्या है, वोल्टेज डिवाइडर वायर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर वायर सर्किट और सेफ वायर सर्किट। जब वोल्टेज डिवाइडर वायर सर्किट होता है तो अपन थेवनिन लगाते, क्या लगाते हैं थेवनिन, क्या लगाते हैं थेवनिन। तो ऐसे अपन मानते हैं यहाँ पर ए और यहाँ बी, और जब वोल्टेज डिवाइडर वायर से होता है तो ए बी पर अपन क्या करेंगे वीटीएच और क्या निकालेंगे आरटीएच, जो पहले मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो इसका वीटीएच क्या होगा, वीटीएच, वीटीएच क्या होगा आपका 1/4, पहले बता चुका हूँ 1+4 * ऊपर से आ रहा है 5, तो होगा 1 वोल्ट।
आरटीएच क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, 1/4 पैरेलल में 4, तो 1 × 4 अपॉन 1+4 तो होगा 4/5। तो मॉडिफाइड सर्किट क्या होगा, सो मॉडिफाइड सर्किट, मॉडिफाइड सर्किट क्या होगा, ये होगा VTH जो कि 1 वोल्ट है, ये होगा RTH जो कि 4/5 है, उसके बाद वो सर्किट 0.3 किलो ओम, और ये हो गया ग्राउंड, और ये हो गया 2.2 के, और ये हो गया आपका 5 वोल्ट। और हमें पता है ये बी है, हमें पता है ये सी है, और हमें पता है ये ई है। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, आईसी फ्लो होगा, ये तो करंट 0 आई बी, ये प्लस माइनस बी बी है, बी बी के बारे में कोई नहीं दे रखा, तो 0.7 होगा, और ये प्लस माइनस बी सी है। तो यहाँ से आईसी है, तो यहाँ से भी क्या होगा, फिर आईसी होगा। अप्लाई केवीएल, ऐसे केवीएल लगा दो, एक अप्लाई केवीएल, सब कुछ बता चुका हूँ मैं पहले, अप्लाई केवीएल, ऐसे लगाओ केवीएल, अप्लाई केवीएल, जब केवीएल लगाओ तो -1 प्लस 4y5 × 0 प्लस हो गया 0.3 IC इक्वल टू 0, तो 0.3 IC इक्वल टू 1, तो IC हो गया आपका 1/0.3, 10/3 मिली एम्पियर, IC आ गया 10/3, IC 10/3। गलती हुई है आपसे, आपने 0.7 तो भूल ही गए आप, इसमें केवीएल लगा टाइम, केवीएल जब लगाया 0.7 तो भूल ही गए आप, तो ये होगा -1 प्लस 4y5 × 0, ये भूल गया था 0.7 प्लस आपका 0.3 IC इक्वल टू 0, तो हो गया -1, -1 में से 0.7 गया तो -0.3 प्लस 0.3 IC, तो IC हो गया 1 मिली एम्पियर। IC 1 मिली एम्पियर, तो इतना डर लिख देना सर। सब करा चुका हूँ मैं पहले, ये सारी चीज़ सब बता चुका हूँ मैं, सारी चीज़ कैसे VTH निकालते, कैसे RTH निकालते, सब बता चुका हूँ पहले। इतना हो जाए, डन लिख देना सब। तुम्हें VTH बता चुका था पहले, RTH बता चुका था, VTH बता चुका था, RTH भी पढ़ा चुका था। वेरी गुड आप बेटा, कार्तिक बेटा, तो इतना हो जाए, डन लिखो सब लोग। सबको डन हुआ इतना, चलो ठीक है। दूसरा केवीएल ऐसे लगाओ, प्लस 5 का ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये प्लस माइनस 5 वोल्ट है, ऐसा है। अप्लाई ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल,
केवीएल इन आउटपुट लूप, आउटपुट लूप, तो लगाओ माइनस फाइव प्लस हो गया आपका 2.2 आई सी, प्लस हो गया बी सी, प्लस हो गया आपका 0.3 इंटू आई सी, तो हो गया माइनस फाइव प्लस आपका 2.2 आई सी आपका 1 प्लस बी सी प्लस 0.3 इंटू 1। तो यहाँ से बी सी आप चेक करोगे तो बी सी की वैल्यू आएगी 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। सुमन रॉय, हाँ बेटा मोस्ट वेलकम बेटा, कोलकाता से हो आप, मोस्ट वेलकम। तो 2.5 वोल्ट, इधर डाल लिखो सब लोग, इधर डाल। सबका डन हुआ है इतना? प्रवीण कुमार बेटा रोज चलता है क्लास तो बेटा? प्रवीण कुमार क्लास तो रोज चलता है बेटा? सबका हो गया डन इतना? सबका डन है इतना? तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास तो रोज चलता है बेटा, भाव के पता चले क्लास तो डेली चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा एक्सट्रीम भी वेरी हाई दे रखा है, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ आर टू इन किलो ओम टू प्रोड्यूस आई सी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, रीड आई रोम फाइव हंड्रेड ओम, बी सी सी इक्वल टू 3 वोल्ट, ये आपका कलेक्टर है, ये आईसी करंट, ये आपका आर वन है 60 के, ये आपका आर टू, आर टू की वैल्यू बतानी है, आईसी 1 मिली एम्पियर है। R2 बताना है, ऐसे IC 1 मिली एम्पियर आए,
आर टू में तना ऐसी बना है, तो गिवन क्या दे रखा है, जो गिवन दे रखा है उसको देखो एक बार, गिवन बीटा एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज या वेरी हाई, तो बीटा होगा इन्फिनिटी, आई सी होता है बीटा आई बी, तो आई बी क्या होगा आई सी बाई बीटा, तो हो गया आई सी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हो गया जीरो एम्पियर। ठीक है, आई सी दे रखा गिवन आई सी 1 mA, तो आप ये सर्किट देखोगे ये वोल्टेज डिवाइडर वाला सर्किट है, तो यहाँ से वी टी एच निकालोगे, तो ये मान लिया ये और ये मान लिया बी, तो यहाँ से वी टी एच और आर टी एच, पहले वी टी एच निकाल लेते हैं, वी टी एच जैसे आप वी टी एच निकालोगे तो यहाँ से करंट आप जीरो फ्लो कराओगे, वी टी एच कहते हैं हम यहाँ से करंट जीरो, सब कुछ बता चुका हूँ पहले, तो ये होगा आर टू अपॉन आर टू प्लस सिक्स 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वी टी एच हो गया 3R2 अपॉन आपका R2 प्लस 6 60, तो सो मॉडिफाइड क्या हो गया, मॉडिफाइड सर्किट हो गया आपका वी टी एच जो कि 3R2 अपॉन R2 प्लस 60, ये उसका आर टी एच हो गया। आर टी एच क्यों नहीं निकाला, क्योंकि बेस करंट जीरो, तो आई आर टी एच निकालने का मतलब नहीं रहेगा इस केस में, निकालोगे तब भी वैसे भी वो कोई मतलब नहीं रहेगा। आर ई हो गया 0.5 kΩ, हो गया आई सी, अरे वी सी सी इक्वल टू 3 V, और एक ग्राउंड, ठीक है राउंड, ये आपका बेस करंट है जो कि आई बी जीरो है, ये प्लस ये आपका अमीटर टर्न वाला है, ये माइनस ये बी वी हो गया जो कि 0.7 V, ये प्लस ये माइनस ये आपका वी सी है, आई सी दे रखा है 1 mA, आई सी 1 mA, आई सी आई ई इक्वल टू आई सी 1 mA, आपसे आर टू पूछा है तो आप ऐसे केबल लगा लो बस, ग्राउंड टू ग्राउंड केबल इनपुट में अप्लाई, ग्राउंड टू ग्राउंड केबल अप्लाई, ग्राउंड टू ग्राउंड केबल, ग्राउंड टू ग्राउंड केबल लगाओगे आप तो क्या होगा, माइनस 3R2 अपॉन R2 प्लस 60 प्लस RTH इंटू 0 प्लस 0.7, ये लोग भूल जाते हैं इसे इसलिए राइट मार्कर से लिखा 0.7 को, और 0.5 इंटू 1, ये सारा इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहाँ से R2 आएगा और यहाँ से R2 की वैल्यू आएगी आपकी 40 kΩ, तो R2 आ गया 40 kΩ, R2 इज अ 40 kΩ, R2 इज अ 40 kΩ, इतना डन देखना सब, जितने भी लोग हैं सब लोग लाइक कर दो पहले, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं लाइव सबसे पहले लाइक किया करो, आप लाइक नहीं करते हो, आप जितने भी लोग हैं सबसे पहले लाइक करो, आप जितने भी लोग हैं लाइक करो पहले, आप चीज़ें फ्री मिल रही हैं फिर भी आप लाइक नहीं करते यार, फ्री का मतलब ये आपको इतना अच्छा कंटेंट इतने कम क्वालिटी इतने कम पैसों में इतना अच्छा क्वालिटी दे रहा हूँ, आप देखो खुद ही, लोग ऑफलाइन में नहीं कराते, इतना डर लेंगे ना सब, सब लोग लाइक कर दो पहले आप, जितने लाइक बढ़ना चाहिए, जो लाइक देख रहा हूँ वो बढ़ना चाहिए, सब लोग लाइक करो, सब लोग लाइक करो और करो लाइक, और नंबर बढ़ना चाहिए, और बढ़ाओ उस नंबर को, और बढ़ाओ जितने हैं उतने तो लाइक करो,
टर्न से बोल, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा वेरी हाई वैल्यू, बीवी दे रखा है इसमें 0.65 दे रखा है, 0.65 लूंगा। फाइंड करंट आई फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रजिस्टर, 2 किलो ओम रजिस्टर इज सर्किट की स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ी है तो इस साइड बना देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर क्यू वन है, यहाँ पर 2 किलो ओम है, ये ट्रांजिस्टर क्यू वन है, सिक्स पॉइंट फाइव की है, ये 1.85 किलो ओम है, Q2 है, ये 1 किलो ओम है, वन पॉइंट सिक्स फाइव किलो ओम है, और ये ग्राउंड, और ये 10 वोल्ट है। आपसे ये करंट पूछा गया है इतना, तो आपसे ये करंट पूछा गया, ये कितना होगा, ये पूछा गया आपसे, तो क्या क्या गिवन है आप देख लो एक बार। गिवन है आपका बीटा वेरी आई, बीटा हो गया इन्फिनिटी, आईसी जो होता है वो बीटा आई भी होता है, तो आई भी क्या हो गया, आईसी बाई बीटा, आईसी बाई इन्फिनिटी, तो ये हो गया जीरो, आई भी जीरो हो गया, तो यहाँ पर बेस होता है, ये हो गया बी वन, हो गया सी वन, और ये हो गया ई वन, और ये बेस करंट जीरो एम्पियर, तो यहाँ से आई, यहाँ से तो जीरो आ रहा है, तो यहाँ से फिर आई, ये आपका वी टू है, ये आपका सी टू है, और ये आपका ई टू है, तो यहाँ से जीरो एम्पियर, तो फिर ये आई 6.5 है बीवी, तो ये आपका प्लस माइनस, ये हो गया 0.65, ये प्लस माइनस 0.65, ठीक। और मैंने मान लिया ये बी एक्स है मेरा, यहाँ का नोड बी एक्स मान लिया, ये 10 है, तो फिर ये भी 10 होगा। अब इन दोनों में जीरो, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहा हूँ, बी एक्स अप्लाई, वोल्टेज डिवीजन रूल अक्रॉस बी एक्स अप्लाई, वोल्टेज डिवीजन रूल अक्रॉस बी एक्स, तो बी एक्स क्या होगा, वोल्टेज और सिमिलर एलिमेंट कितना है 1.65,
कुल टोटल एलिमेंट कितने हैं तीनों सीरीज में, तो क्या 6.5 प्लस 1.85 प्लस 1.65 इंटू 10, तो यहाँ से वी एक्स आ जाएगा आपका। तो यहाँ से वी एक्स की जो वैल्यू आएगी ये बी एक्स आ गया, ये प्लस माइनस 1.65 वोल्ट। तो कुछ ना आप काम नहीं करना, बस ऐसे केवीएल लगा दो आप, आई आ जाएगा। अप्लाई केवीएल तो माइनस 1.65 प्लस 0.65 प्लस 1 इंटू आई इक्वल टू 0, तो माइनस 1 प्लस 1 इंटू आई इक्वल टू 0, तो आई हो गया 1 मिली एम्पियर। कितना आसान है देखो, लग कितना रहा था और कितना देखो आसान, 1 मिली एम्पियर आई आ गया 1 मिली एम्पियर। आई इज द 1 मिली एम्पियर। आई इज द 1 मिली एम्पियर। चलो इतना डन लिख देना, इतना हो जाए तो इतना ऑर्डर लिख देना सर, इतना हो जाए डन। काफी आसान था, आपने देखा प्रैक्टिस में एक परफेक्ट और भी न्यूमेरिकल लगाते, इससे आपके और क्लियर हो। और लोग भी कमेंट किया करो आप, एक दो लोगों से काम में चले, पूरे कमेंट किया करो आप, और लोग भी डन हुआ क्या नहीं हुआ, और लोग कमेंट करना जरूरी है। सबका डन, चलो डन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बढ़िया प्रैक्टिस चल रही एकदम जबरदस्त, देखो ये दे रखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ई वी वन इक्वल टू बी ई वी टू 0.7 वोल्ट। फाइंड BC2 कितना होगा, BC2 पता करना। सर्किट ये है, बीटा वन जो 100
VCC 2.5 वोल्ट, वन किलो ओम, टेन किलो ओम, वन वोल्ट, ये VC2 है और ये ग्राउंड है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वन किलो ओम को, VC2 पता करना है इसका। Beta 1 100 है, Beta 2 50 है। चलो डर लग देना इतना। चलो उतना डर लग देना। डर लग इतना सब लोग इतना। देखो NPN है, ये C1 है, ये B1 है और ये E1 है, ये E2 है आपका, ये आपका V2 है और ये आपका C2 है बेटा, ठीक है ना। कोई डाउट? पहले वाले की बात करोगे, ये एन है, ये पी है और ये एन है, मतलब NPN ट्रांजिस्टर है फर्स्ट वाला। दूसरी की बात करोगे, ये प्लस ये माइनस, बी क्या दे रखा है, ई बी टू 0.7 वोल्ट और ये प्लस ये माइनस बी बी वन 0.7 वोल्ट, ये हो गया आपका एन एम पी एन पी। दूसरे वाला पी एन पी है, तो इसमें करंट क्या होगा, ऐसा होगा बेटा IC1, ये होगा आपका IB1, ये होगा IE1, जो होगा IB1 प्लस IC1, ठीक है। ये IE2 होगा बेटा, ये बेटा IB2 होगा बेटा, ये बेटा IC2 होगा बेटा, ठीक है। और आप देख रहे हो ये प्लस 2.5 वोल्ट कैसा होता है रिप्रेजेंटेशन, माइनस प्लस ये 2.5 होता है। तो क्या करोगे आप, ऐसे केवल लगाओगे
ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल, अप्लाई ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल, अप्लाई ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल। और ग्राउंड टू ग्राउंड अगर केवीएल लगाओगे आप तो -2.5 +0.7, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा 0.7, फिर क्या हुआ 10 या बने, देख लो एक बार 10 या बने, IB2 +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से IB2 आ जाएगा और यहाँ से IB2 की जो वैल्यू आएगी आपके, प्लस में कराता हूँ उसको लिख रहा हूँ, नीचे बेटा कुछ नहीं है, थोड़ा छोटा और कर देता हूँ उसको, तो ये बन के आपको तो दिखाई दे रहा है सबको, और एक ग्राउंड, अरे अब तो दिखाई दे रहा है सबको, अब तो दिख गया भाई इधर नीचे देखो, अब तो दिख गया ना नीचे देखो, बताओ बेटा जयप्रकाश नारायण, यहाँ तो अब तो दिख गया ना, कमेंट करो दिख गया ना अब तो, अब सही है, छोटा कर दिया डायग्राम, अब तो दिख गया होगा, देखो IB2 आया आपका 0.01 मिली एम्पियर, तो IC2 क्या होता है, बीटा टू है 50 इंटू 0.01, तो IC2 हो गया आपका 0.5 मिली एम्पियर, IC2 आ गया, और IC2 आ गया तो B2 क्या होगा, BC2 का मतलब क्या बेटा, ये प्लस या माइनस ही होता है BC2, और एक ग्राउंड, अब एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड पर, और ये IC2 है, अप्लाई ग्राउंड टू ग्राउंड KVL, हो गया -BC2 प्लस हो गया 1 × IC2 इक्वल टू 0, तो -BC2 प्लस 0.5 इक्वल टू 0, तो BC2 हो गया 0.5 वोल्ट, तो आगे देखो 0.5 वोल्ट, इज द राइट आंसर, सबको हटा लेते ना, सबको डन हुआ था, सबको डन दो,
लास्ट क्वेश्चन, बीटा दे रखा 50, बीईबी, बीईबी देने का मतलब है आपका ये दे रखा है, इसका मतलब है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। सिक्सटी मिली वोल्ट मतलब 0.6 वोल्ट। फाइंड बीईसी वोल्टेज, और ये यहाँ बनाता था वो अमीटर है, ये 3 वोल्ट है आपका, ये बेस है आपका, 60 किलो ओम है, ये कलेक्टर है, 500 ओम है, तो आपको पता होगा ये आपका P है, ये आपका N है और ये आपका P है, मतलब NPN ट्रांजिस्टर है। तो पहले ऐसा ही होगा, कुछ नहीं है, जो पहले मैं लिख रहा था BBE उसको लिखूँगा, अब क्या लिखूँगा BEB लिखूँगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये होगा BEB, टेंशन में नहीं आना। पहले लिख रहा था मैं BCE, अब लिखूंगा BEC, लो ये प्लस, बस इतना काम करना, और करना क्या है, और क्या, और तो ही नहीं कुछ। तो ये करंट क्या होगा, अमीटर करंट, ये क्या होगा आपका बेस करंट, और ये क्या होगा आपका कलेक्टर करंट, और यहाँ आपका IB होगा। और आप पता है इनपुट दे रहे हो अमीटर में, आउटपुट लो कलेक्टर से, बेस तो कॉमन है, बेस कॉमन है आपका, आउटपुट कलेक्टर से, और आउटपुट आप कलेक्टर से लो तो ये कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ बीटा जो होगा होगा आपका IC बाय IE जो कि दे रखा है उसने 50, आउटपुट IC है, इनपुट IE है, जो दे रखा है 50। हो गया भाई, कुछ है नहीं, इसको कर लो किलो ओम में, तो हो गया 0.5 किलो ओम, ठीक है ना। दस साइड सिर्फ पढ़ता हूँ, बीटा दे रखा 50, ऐसे केवीएल लगाओ, और 3 वोल्ट कैसा होगा, 3 वोल्ट को ऐसे कर लो आप, ये प्लस माइनस है 3 वोल्ट, तो ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल लगा दो, ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल अप्लाई, और ये वैल्यू दे रखी है 0.6। पहले IB निकाल लेते हैं, चलो 0.6। एक काम करते हैं, पहला केबल ऐसे लगाते हैं जिससे क्या IB आ जाए, ऐसे जाके
ऐसे निकाल लो, सही है, आई भी आ जाए, अप्लाई ग्राउंड टू ग्राउंड की वीयर माइनस थ्री प्लस हो गया 0.6 प्लस हो गया 6 इंटू आई वी, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2.4 प्लस 60 आई वी, तो आई वी क्या हो गया 2.4 बाई 60। आई सी क्या होता है बीटा आई वी, बीटा कितना 50, आई वी कितना है 2.4 बाई 60, ठीक है। आई सी आ गया, मेरे को चाहिए बी ई सी, बी ई सी वाले में आउटपुट वाले में इस रेड वाले पार्ट में केबल लगाओ, अप्लाई केबल इन रेड पार्ट, लगाओ तो होगा माइनस थ्री प्लस बी ई सी प्लस 0.5 आई सी, तो क्या माइनस थ्री प्लस बी ई सी प्लस 0.5, आई सी की वैल्यू पुट करो ये होगा 50 इंटू 2.4 डिवाइड बाई 60, तो यहाँ से जो बी ई सी आएगा आपका बी ई सी दो वोल्ट आएगा, दो वोल्ट। तो कुछ काफ़ी आसान था, जब काफ़ी आसान था, जब पी एन पी होता है ना तो आप बोलते हो बी बी, जब एन पी एन होगा ना, एन पी एन था ये, अगर मैं लिखना चाहूँ तो काफ़ी आसान ऐसे कह सकता हूँ कि एन पी एन पी एन पी, यहाँ लिखता हूँ बी बी, यहाँ लिखूँगा बी ई बी, ऐसे लिखा जाता है, यहाँ लिखते हैं बी सी ई, तो यहाँ लिखूँगा बी ई सी, बस हो, ये लिखने का तरीका ऐसे लिखना चाहिए। दो वोल्टेज द राइट आंसर। इधर डन लिखो सब लोग, इतना हो जाए डन लिखो सब लोग। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, बीबी का मोड दे रखा है आपका 0.7 वोल्ट,
बीटा है 50, आर बी 100 किलो ओम, फोर बी नॉट टू बी 5 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ आर सी इज चलो देखो, जो ये जो एरो होता है मीटर जंक्शन में होता है, तो ये होगा ई, जहाँ ये एरो होगा वहाँ मीटर जंक्शन होगा, जहाँ एरो होगा ये होगा बी, और ये होगा आपका सी, ठीक है। बी नॉट 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट देने का मतलब ऐसा है, ये प्लस माइनस 5 वोल्ट होगा, ये ग्राउंड, ठीक है ना। और आप सबको एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे आपको ये तो पता होगा, जैसे आपका 10 वोल्ट है, नहीं पता हो तो बता दूँ, ऐसे पता होगा जिसका नेटवर्क हुआ उनको तो पता होगा कि एक्सटर्नल टर्मिनल में, जैसे अगर आपसे वी नोट है पूछूँ तो वी नोट क्या होगा, वोल्टेज 2/3 + 2×10, जो भी वी नोट आएगा आ जाएगा, और यहाँ से करंट जीरो होगा। या फिर ऐसे पूछो, ये भी होगा तो यही आंसर आएगा, वी नोट 2/3 + 2×10। तो किसी अगर टर्मिनल को आगे खींचता हूँ तो वहाँ करंट जीरो होता है, ऐसे यहाँ पर एक ये जो है यहाँ से जो करंट जो जाएगा वो जीरो एम्पियर, वो आपका जीरो एम्पियर, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ होगा। आपका P, ये आपका N और ये आपका P, ठीक है।
ये चीज तो आपको पता है, इसको तो रख कर रहा हूँ। आपको VBE गिवन है 0.7, आपका जो ट्रांजिस्टर है वो PNP है, तो आपको तो मतलब है BEB से, तो मोड लगा रखा है तो वही 0.7 होगा। तो ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो गया BEB, ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो गया BEC। और ये करंट, यहाँ से जो करंट है वो मीटर करंट है, यहाँ से करंट होगा आपका बेस करंट और यहाँ से करंट होगा कलेक्टर करंट, तो ये आपका IC। तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे एक ग्राउंड टू ग्राउंड KVL लगा रहे हो, ऐसा अप्लाई ग्राउंड टू ग्राउंड KVL। ग्राउंड टू ग्राउंड KVL और ऐसे लगाओगे आप -5 प्लस IC इंटू RC 0, तो IC इंटू RC हो गया 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक तो इसका इलाज हो गया। अब आप ऐसे KVL लगाओ, ये कैसे आप ऐसे KVL लगाए, आप अप्लाई KVL, तो लगा देता हूँ अप्लाई KVL ग्राउंड टू ग्राउंड, तो लगाओ भाई -10 प्लस BEB प्लस आपका RB इंटू IV इक्वल टू गया 0, तो -10 प्लस योग दे रखा है 0.7 प्लस आपका IB इंटू RV और 0.6, ये हो गया आपका 9.3, वो भी माइनस के साथ, प्लस IB इंटू RV इक्वल टू 0। RV 100 दे रखा है, RV दे रखा है 100, तो क्या -9.3 RV के बने 100 इंटू IV इक्वल टू 0, तो IV क्या हो गया 9.3/100। IC जो होता है वो βIV होता है, तो IC क्या होगा, बीटा कितना 50, IV कितना 9.3/100, तो यहाँ से IC आएगा आपका 4.65 mA। इस IC की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, पुट IC वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो 4.65 RC इक्वल टू 5, तो RC क्या हो गया 5/4.65, तो यहाँ से RC की वैल्यू आ गई और RC आएगा आपको यहाँ से 1.075। देखो काफी आसान है, यहाँ डन लग देना सर।
सबका डन यहाँ था, सबका डन यहाँ था। सबको डर नहीं आता। सबको डर हुआ नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बीबी के वन है 0.7 वोल्ट, दो सौ ओम में 4 किलो ओम में, ये 10 वोल्ट है। और ये आपका पी है और ये आपका एन है। ब्रेकडाउन वोल्टेज रखा है, ये प्लस होगा या माइनस होगा 0.6, और जब ब्रेक डाउन होता है तो एन से पी करंट फ्लो करता है 0.5 mA, जीना करंट है। द बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर एंड बी सी ई आर रेस्पेक्टिव, ये बनाओ फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करो। सब लोगों का नोट डाउन हो जाए, डन लिख देना फिर। डन लिख देना जिनका हो जाए यहाँ तक। देखो जब भी जीना डायोड किसी डिवाइस में लगाओ, चाहे ओपन में लगाओ चाहे बीजेटी में लगाओ, ओपन वाले जीना डायोड क्वेश्चन भी मैंने अभी बाकी रख रखे हैं, जब बीजेटी हो जाएगा तब कराऊंगा। जब ये देखो, तो जब भी जीना डायोड कभी डिवाइस में लगाओ, चाहे ओपन में लगाओ चाहे बीजेटी में लगाओ, तो वो ब्रेक डाउन में होगा। तो जब भी एक जीना डायोड कभी भी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है तो उसका मेन काम होता है ब्रेक डाउन होना। तो जब भी जैसे जीना डायोड इस बीजेटी के साथ लगा हुआ है तो पक्का ब्रेक डाउन में होगा। जीनो डायोड कभी ऑपरेशन एम्पलीफायर के साथ लगता है तो पक्का ब्रेक डाउन होगा। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन जीना डायोड जब भी किसी दूसरे डिवाइस के साथ लगता है तो 100% सियोरिटी है वो ब्रेक डाउन में होगा ही। तो वहाँ फिर चेक करने की जरूरत नहीं है ब्रेक डाउन में है क्या नहीं। अकेला जीना डायोड है
कुछ और डिवाइस साथ नहीं लगा तो ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था ठीक है, पर अगर जैसे यहाँ BJT है और ये जीना डायोड है तो ये BJT के साथ लग रहा है तो पक्का जीना डायोड ब्रेकडाउन होगा। अगर ये जीना डायोड होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर के साथ लगता है तो पक्का जीना डायोड ब्रेकडाउन होगा। तो मतलब जीना डायोड जब भी किसी दूसरे साथ डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है तो ब्रेकडाउन होता है हमेशा, ऑलवेज चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया ई, ये हो गया आपका आई बी, ये हो गया आई सी और ये हो गया आई इक्वल टू आपका आई बी प्लस आई सी। ठीक है ना, और क्या दे रखा है 0.7 है और ये प्लस माइनस बी सी है। और एक काम देखो, ये जो ओम है उसको किलो ओम में कन्वर्ट कर लो तो 0.53 किलो ओम। ठीक है, प्लस 10 वोल्ट कैसे बनाओगे आप, ये प्लस माइनस, ये 10 वोल्ट है और ये ग्राउंड है। ठीक है, देखो इधर से जो करंट जा रहा 0.5 इधर से आई भी, तो इधर से करंट कितना आएगा, इधर से आई भी इधर से 0.5 है तो हो गया 0.5 प्लस आई भी, ये करंट होगा। अब यहाँ से देखोगे दो आउटगोइंग करंट है, एक है आई वी एक है 0.5, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इनकम ही होगा तो 0.5 प्लस आई वी। ठीक है, अब एक काम कर लो, एक ग्राउंड से आप ऐसे 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 दूसरे ग्राउंड पर KVL लगा दो, अप्लाई ग्राउंड टू ग्राउंड KVL। तो कितना हो गया -10 प्लस आपका 4 0.5 प्लस आई बी, ठीक है ना, प्लस 6 इक्वल टू 0, -4 प्लस 4 ये 2 हो गया, फिर प्लस आपका 4 आई बी प्लस 6 तो ये हो गया आपका, ये 8 हो गया तो -10 प्लस 8 प्लस 4 आई बी तो -2 इक्वल टू 4 आई बी, आई बी हो गया आपका 1/2 मिली एमपी, 0.5 मिली एमपी आई बी आ गया, देखो आई बी आ गया 0.5 मिली एमपी। आई वी 0.5 आ गया, चलो ठीक है। अब एक काम करो आप, आई वी अगर 0.5 आ गया, दूसरा KVL ऐसे लगाओ जिससे आई सी आ जाए, ऐसे KVL दूसरा जिससे आई सी आ जाए, अप्लाई KVL इन रेड पार्ट, अप्लाई KVL इन रेड पार्ट तो कितना हो गया -6 प्लस कितना हो गया 0.7 प्लस कितना हो गया आपका 0.53 हो गया आई वी प्लस आई सी, आई वी तो 0.5 है तो -6 प्लस 0.5 प्लस 0.53 आई वी है 0.5 प्लस आई सी, यहाँ से आई सी आ जाएगा और यहाँ से आई सी की वैल्यू आएगी 9.5। आई सी कर लो 9.5 मिली एम्पियर, तो आई सी जो होता है वो बीटा ही भी होता है, इक्वल टू 9.5 बीटा इंटू आई बी, आई बी कितना है 0.5 इक्वल टू 9.5 तो आई बी कितना हो गया 9.5 अपॉन 0.5 तो आई बी हो गया 19 बीटा 19 आ गया, बीटा 19 देखो, बीटा आपका 19 आ गया, बीटा आ चुका 19 देखो, यहाँ तो डन लिखो सब लोग, बीटा 19 आ चुका, यहाँ तो डन लिखो सब लोग, सब लोग यहाँ तो डन, सब लोग यहाँ तो डन लिखो। चलो यहाँ तो डन लिखो,
सब क्वार्टर नहीं आता, सब क्वार्टर सबको अगर इतना डन हुआ तो आप देखो इधर कर देता हूँ, चलो स्पेस बचा इधर आ जाए। जीरो ये क्या आपका 0.2 किलो, मेरे को बीसी ही चाहिए तो एक केबल ऐसे लगाओ ग्राउंड टू ग्राउंड, एक ग्राउंड टू ग्राउंड अप्लाई केबल, तो ये हो गया आपका 0.2 इंटू आई सी प्लस बी सी प्लस हो गया 0.53 आई वी प्लस आई सी इक्वल टू जीरो, आई वी आई सी सब कुछ है आपके पास, 0.2 इंटू आई सी है 9.5 प्लस बी सी प्लस 0.53 आई वी जो है आपका 0.5 है और आई सी जो है आपका 9.5 है, तो यहाँ से बी सी आ जाएगा, वो सब कुछ पता है, तो यहाँ से बी सी जो आएगा आपका उसकी वैल्यू आएगी आपकी 2.8 वोल्ट। बी सी 2.8 चलो डन लगना है तो सबको डन हुआ है, सबको डन हुआ। तो जब भी एक जीना डाउट किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा तो हमेशा ब्रेकडाउन में होगा, जब भी जीना डाउट किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा तो वो ब्रेकडाउन में होगा हमेशा। चलो आपको ब्रेक देता हूँ, फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, हो नहीं पाएगा वो क्वेश्चन, ब्रेक के बाद ही करता हूँ, अभी टाइम हो रहा है 1:16, ब्रेक ले लो 1:32। कर देता हूँ, चलो यहाँ तक तो लगभग ये हो गया आपका 20 मिनट्स ब्रेक, 20 मिनट्स ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, 20 मिनट्स ब्रेक ले लो फिर कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया से बेहतरीन क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। 20 मिनट्स ब्रेक,
आप लोग ऐसे ही फिर स्टार्ट कर दे अपन। हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सब लोग आ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। सब लोग आलू लिख रहे हैं। देखो आगे सब देखो आज इतना ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा तबीयत डाउन सी लग रही है इसलिए देखो इतना ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तबीयत डाउन सी लग रही है आपको। अच्छा वो तो मैं आगे पढ़ाऊँगा। देखो देखो आज इतना ही पढ़ रहे हैं अपन, आगे फिर देखेंगे, मंडे को देखेंगे। देखो संडे कर रहा हूँ मैं आपका ऑफ, देखो संडे जो कर रहा हूँ मैं आपको ऑफ कर रहा हूँ। संडे मैं आपको ऑफ कर रहा हूँ, संडे नहीं मंडे नहीं संडे, संडे कर रहा हूँ ऑफ। आज इतना ही पढ़ाऊँगा, थोड़ा तबीयत ढाली ढीली ढाली सी लग रही है थोड़ा बहुत, आपको दिख भी रहा होगा। मंडे को रखते हैं क्लास अपन 12 बजे से, देखो मंडे को, मंडे को जो क्लास रखते हैं वो 12 बजे से। संडे को मैं ऑफ रख रहा हूँ, मंडे को क्लास 12 बजे से रखेंगे अपन, मंडे को क्लास 12 बजे से। आज के इतना ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा तबीयत पता नहीं ढीले डाली सी लग रही है थोड़ा, आप क्लास से भी दिख रहा होगा थोड़ा। क्या लिख रहे हो बेटा ये? हाँ मंडे को रखेंगे क्लास, थोड़ा ऐसी तबीयत लग रही थी, आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा। देखो आज इतना ही पढ़ाएंगे, मंडे को कंटिन्यू करेंगे, जो जितना आज हुआ उससे आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा। देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी, चलो ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मंडे को रखेंगे क्लास उसे, ठीक है आज के लिए इतना ही काफ़ी। मंडे को संडे ऑफ कर रहा हूँ, कल रिलैक्स मिल जाएगा, मंडे को अपन सेम टाइम क्लास रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, देखो।